नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर अल्प प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट सियासत का मुद्दा बनी, इंटक मैदान नवीन मंडी पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट। ऊर्जा मंत्री पद्मन सिंह तोमर के साथ सब्जी विक्रेताओं से हालचाल पूछते हुए नजर आए। इसी दौरान एक सब्जी विक्रेता की उंगलियों में जख्मों को देख मंत्री सिलावट ने सवाल किया तो उसने वैसे ही कहा कि सब्जियों की वजह से हुए हैं। तो वह बोले, अरे कैसे, मैंने भी खूब सब्जियां बेची हैं। मंत्री सिलावट ने यह भी कहा कि आवश्यकता होने पर हम आपकी बिटिया को गोद ले लेंगे। वहीं एक माताजी ने मंडी की परेशानियों का जिक्र भी किया। मंत्री सिलावट ने भूख लगने पर खुद भी केले खाए और सबको खिलाए। मंत्री सिलावट ने कमलनाथ द्वारा मंडी को लेकर दिए धरने पर करारा जुबानी हमला बोला और कहा कि जब मुख्यमंत्री थे तब याद नहीं आई, अब आकर धरना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी बेचने वाली बात पर भी कहा कि मैंने सब्जियां बेची हैं, इसलिए इस विक्रेताओं के दर्द को समझता हूं, लिहाजा विशेष रूप से सभी से मिलने और समस्याओं के निदान के लिए आया हूं। गौरतलब है कि बीते एक महीने से हजीरा सब्जी मंडी विवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने बनी हुई है। यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय मंत्री और नेता इस विवाद को हल करने में जुटे हुए हैं। एक बात सुनो, जब मंत्री थे, मुख्यमंत्री पूर्व थे मध्य प्रदेश के, कभी उन्होंने सब्जी वालों की याद नहीं आई? याद आती तो ये स्थिति बनती क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, हमारा संकल्प है समाज के हर वर्ग का विकास हो, प्रगति हो, उन्नति हो। कभी उन्होंने, ये मैं आपसे पूछता हूँ, जब यहाँ आए कोई बेचारा गरीब पूछ लेता कि बिना ब्याज के आपने किसी एक को दिए पैसे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं किया उन्होंने? मुख्यमंत्री थे वो, तो उनकी जिम्मेदारी थी ना। ये काम गरीबों का भारतीय जनता पार्टी ही करती हो, मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं, और इसका संकल्प विकास का, प्रगति का, ये समाज के उस तबके को वो सारी सुविधाएं इस परिसर में मंडी में मिले। मुझे मेरे यहाँ के सक्रिय विधायक मध्य प्रदेश के ओजस्वी मंत्री पुदुम जी पे पूरा तोमर जी पे पूरा विश्वास है, और मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूँ, हर कठिनाई में, हर दुख में, हर संकट में कंधे से कंधा मिलाकर ही उनके साथ हैं। सब्जी विक्रेताओं से चर्चा करी, एक आपने कहा कि मैंने भी सब्जी बेची है, मैं अभी बोल रहा हूँ बेची है, क्योंकि इनके पीड़ा को, इनके कष्ट को, इनकी कठिनाई को मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है, उस गरीबी को भी देखा है, वो भी कष्ट मैंने झेला है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये परिवार उस तकलीफ को, उस कठिनाई को नहीं झेले, ये मेरा संकल्प है। ठीक।